हे हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शाहरुख, आपका दोस्त। मैं एसआर के। आज हम ऐसे टॉपिक पे जाने वाले जिसकी आपको आपके लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो क्या है? इफ़ आई हैव लॉस्ट माई फोन, सो व्हाट आई डू। तो मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप आपका मोबाइल घर बैठे बैठे ढूंढ सकते हैं, बिना ट्रेस से, बिना ड्राइविंग से, बिना FIR से। तो क्या है वो? स्टार्ट करते हैं, चले शुरू करते हैं। तो जब भी आप एक कोई नया मोबाइल लेते हो तो उसे ओपन करने से पहले आपको एक गूगल अकाउंट डालना कंपलसरी होता है, जो प्ले स्टोर की मदद से होता है। हर एक गूगल, जैसे कि आपने देखा होगा, जो एंड्रॉयड पहले जो चल रहा था उसमें गूगल नहीं होता था, वो ऐसे ही मामूली एंड्रॉयड चलता था। हाँ, जैसे कि आइसक्रीम, सैंडविच, जैसे उसके कैसे कैसे अपडेट होते चले गए। हाँ, उसी वजह से एक गूगल ने एंड्रॉयड को ख़रीद लिया। और जब भी आप इसी दौर में एक एंड्रॉयड मोबाइल लेते हो तो उस पर आपको कंपलसरी आपका अकाउंट डालना होता है, फिर ही आपका एंड्रॉयड मोबाइल एक्सेस करता है। अभी मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ कि अगर आपका मोबाइल लॉस हो गया या कहीं मिस आउट हो गया, कभी किसी के आप घर चले गए या किसी बच्चे ने यहाँ फेंक दिया, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मोबाइल कहाँ चला गया, और बाई चांस आपका मोबाइल साइलेंट है, फिर आप क्या करें? तो मैं आपको आसान तरीका बताना चाहता हूँ कि आप आपका मोबाइल कैसे जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको मैंने बोला था कि आप एंड्रॉयड स्टार्ट करने से पहले आप आपका गूगल अकाउंट डालने के बाद वो मोबाइल एंड्रॉयड एक्सेस होता है। हाँ, तो उसका आपको बेनिफिट बताता हूँ। अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो गया, हाँ, और आपका साइलेंट है, आपके वेब पे जाइए, वेब पे साइट डालिए, androidmanager.com। उसमें पहले ही आपको फ्रंट पेज पे, आपको पहले ही लाइन पे एक एंड्रॉयड मैनेजर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक होने के बाद आपका आपका फ़ोन का नेम द्वारा दिखाएगा, जैसे मैं एग्जांपल में आप मेरा ही बताते हो, इंटेक्स क्लाउड स्ट्रिंग ऐसा लिखा हुआ आएगा या सैमसंग गैलेक्सी ऐसा लिखा होगा। लेकिन कब? सब में पहले आपको आपकी साइन इन करना ज़रूरी है गूगल अकाउंट आपके जिस मोबाइल से या जिस पीसी से, जिस लैपटॉप से आप यूज़ कर रहे हो, तभी आपको एक्सेस कर पाएगा कि हाँ। फिर उसके बाद आप अगर साइलेंट है या किसी घर में खो गया है तो उस पर रिंग का एक ऑप्शन आता है, वो रिंग के ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो साइलेंट मोबाइल भी रिंग करने लगेगा, फिर आपका मोबाइल आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप किसी आउट स्टेशन गए हो या किसी, जैसे कोई एग्जाम्पल देता हूँ, थाने से आप आउट स्टेशन मुंबई गए हो तो आपका मोबाइल वहाँ गुम हो गया है, तो आप उसको मैपिंग की मदद से आप उसके मैप क्रिएट करके आप ढूंढ सकते हैं। तो आपको ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। और आपको अगर का मोबाइल नहीं मिल रहा है तो उसका एक ब्लॉक का ऑप्शन भी आता है, ब्लॉक की मदद से आपका पूरा मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, आपकी जितनी भी प्राइवेसी है, जितने इमेज, जितने फोल्डर, सब ब्लॉक हो जाएंगे। आपको कुछ खतरे की बात है, कुछ टेंस की बात नहीं है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि आपके मोबाइल में आपका बैंक अकाउंट, आपके बहुत बहुत से काम की चीज़ें होती है जिसके आप उसे हायर भी कर सकते हैं, ATM कार्ड जैसे, बहुत बहुत से टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से एंड्रॉयड ने भी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा दी है। तो आपको कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने आपको जो साइट दी है एंड्रॉयड मैनेजर, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जाने के बाद आपका पहले ID आपकी खुद ही की होनी चाहिए, फिर ही वो एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो वो उसका एक्सेस करवाना नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद जाके आपका अगर मोबाइल घर में ही है तो रिंग बजा के आपका रिंग बच सकती है, ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आपको मैपिंग करना है तो आपका पूरा मैप आपका आ जाएगा, क्या मेरा मोबाइल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ख़त्म हो चुका है। तो फिर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप सब्सक्राइबर्स नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो भूले ही मत प्लीज़। ओके, मैं ऐसे ही आपको वीडियो बनाते रहूँगा, देखना ना भूले। मेरा नाम है शाहरुख, आपका दोस्त। मैं KSRK, बाय।